नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है मोका प्रो का कंटिन्यूएशन, राइट। मींस जो मैं बताया था लास्ट क्लास मोका प्रो को, एक्चुअली उसी की ये हमारी दूसरी पार्ट है, मीन्स पार्ट टू है। तो आज पार्ट टू में भी हम लोग कुछ न्यू सीखेंगे एंड न्यू टेक्निक सीखने वाले हैं कि किस तरह से मोका प्रो को आप यूज़ में ले सकते हो डिफरेंट टेक्निक में, राइट। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो हम लोग देखने वाले हैं मोका प्रो 2 में डिफरेंट टेक्निक से किस तरह से हम लोग और भी अपने वर्क को इजी वे में वर्क कर सकते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स में एंड देन देखते हैं कि मोका प्रो को आप किस तरह से यूज़ में लोगे अपने प्रोजेक्ट वर्क या असाइनमेंट्स के ऊपर। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर पे। बेसिकली मैं आज बताने वाला हूँ कि किसी के फेस में अगर मुझे कट लगाने हैं, थोड़ी वॉन्ड वाली इफेक्ट क्रिएट करनी है, थोड़ा सा कट मार्क चाहिए, तो आप कैसे उसको यूज़ में लोगे। तो मेरे पास कुछ इस तरह की वीडियो फुटेज है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो फुटेज को सिंपली जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपने कॉम्प पे। तो कॉम्प में लेने के बाद आप देख सकते हो कि मेरे पास कुछ इस तरह से वीडियो फुटेज आ चुके हैं। एंड देन मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो फुटेज में आपको करना क्या है, सिंपल सेलेक्ट कर लो एंड देन यहाँ पे मैं जाता हूँ। एंड देन यहाँ पे जाकर मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं ले लेता हूँ या सर्च करता हूँ मोका को, राइट। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेने हैं मोका, तो यहाँ पे आपको सर्च कर लेने हैं मोका प्रो। सिंपली जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो आप यहाँ पे। तो जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप आप करोगे तो यहाँ पे मोका प्रो आ जाएगी। तो अभी आपको करना क्या है, मोका प्रो को सेलेक्ट कर लेने हैं एंड देन जस्ट क्लिक कर दो आपको। तो आपको सिर्फ क्लिक करने हैं मोका प्रो के ऊपर में, ओके। तो जैसे ही क्लिक करोगे मोका प्रो स्टार्ट हो जाएगी एंड देन आप यहाँ पे ट्रैकिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे आ गया मोका प्रो, राइट। अब हमें करना क्या है कि सबसे फर्स्ट मुझे चाहिए, मान लो कहीं पे भी कट मार्क लगाने हैं, यहाँ पे फोरहेड में, चिक पे, कहीं पे भी आपको चाहिए होगा। तो आपको करना क्या है, आप चले जाओ यहाँ पे एक्सेस प्लाइन पे एंड देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली ड्रॉ कर देता हूँ, राइट। जहाँ पे भी आपको ऐड करने हैं वहाँ पे आप कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, राइट। सी एंड देन थोड़े से प्रॉपर वे में आप यहाँ पे ले लो कुछ ऐसा। तो कुछ इस तरह से हम लोगों को बना लेने हैं इस तरह से, राइट। तो एक बार जब आपने बना लिया यहाँ पे सिलेक्शन काइंड ऑफ, तो उसके बाद आपको जाने हैं यहाँ पे इनेबल कर दो अपने मेश को। तो देख सकते हो कि मैंने मेश को थोड़ा सा इनेबल कर रखा है एंड देन मैं यहाँ पे ऑटोमैट पे आपको चले जाना है, राइट। मेश इनेबल करने के बाद चले जाओ यहाँ पे ऑटोमेटिक एंड देन यहाँ पे यूनिफॉर्म आपको ले लेने। तो यूनिफॉर्म आपको सेलेक्ट कर लेने हैं, बट यूनिफॉर्म का ना मैं इस बार मेश के जो साइज़ है उसको मैं और भी डेंस बनाने वाला हूँ, मीन्स तो मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ इसके मेश साइज़ को, राइट। एंड देन यहाँ पे वर्टिसाइज जो है उसको आप डिसेबल कर दो, राइट। मुझे नहीं चाहिए तो आप इसको हटा ही लेना एंड देन जनरेट मेश कर दो। तो आप देख सकते हो आपके पास मेश आ चुके हैं कुछ इस तरह से। अब आपको सिर्फ ट्रैकिंग के ऊपर क्लिक कर देना है, तो जस्ट क्लिक कर दो ट्रैकिंग एंड देन यहाँ से आपके मेश जो है वो ट्रैक होने स्टार्ट हो गए हैं कुछ इस तरह से। तो ये थोड़े से टाइम ज़रूर लेंगे, बट उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप ऐड क्या कर सकते हो, राइट। तो एक बार ये हो जाए फिर मैं आता हूँ, ओके। तो यहाँ पे हमारी ट्रैकिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको करना क्या है, अगेन फर्स्ट फ्रेम पे आ जाओ यहाँ पे एंड देन अभी यहाँ पे मैजिक स्टार्ट होता है। तो आपको करना क्या है, ये सारे हो जाने के बाद आप चले जाना है यहाँ से इंसर्ट में। तो इस बार मैं जाता हूँ इंसर्ट को ले लेता हूँ, तो इंसर्ट को क्लिक करो। लास्ट टाइम मैंने सप्लाइज पे गया था, बट इस बार मैं इंसर्ट पे जाता हूँ एंड देन इंसर्ट में जाने के बाद आपको जो सबसे फर्स्ट काम करने हैं ना वो करने हैं यहाँ पे इंसर्ट क्लिप, बिकॉज ऑफ कि मैं इसके ऊपर में कोई क्लिप ऐड करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे क्लिक करो एंड देन यहाँ पे इंपोर्ट कर लो जिसे भी आपको अप्लाई करनी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इंपोर्ट पे मैंने क्लिक किया, चूज़ किया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाकर स्कार मार्क को ले लेता हूँ। आप चाहो तो कोई भी ले लो यार, यहाँ से जो आपको समझ में आते हैं वैसे आप स्कार मार्क यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो मुझे लगता है ये सही है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं जाकर ओपन कर लेता हूँ, राइट। तो सिंपली आप ओपन कर लेना एंड देन यहाँ पे इंपोर्ट को क्लिक कर दो। कुछ भी चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सिंपल इंपोर्ट को क्लिक कर देना। आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्कार मार्क आ चुके हैं, राइट। अगर आपको थोड़े बहुत इसको एडजस्ट करने हैं तो आप सिंपल यहाँ पे प्लानर को क्लिक कर देना, ओके। एंड देन यहाँ पे प्लानर आ जाएंगे एंड देन प्लानर के अकॉर्डिंगली आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, राइट। क्लिक कर दो प्लानर एंड देन यहाँ पे प्लानर है। अगर आपको बड़े साइज़ चाहिए तो क्लिक क्लिक करो
एंड देन इसके साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा कर सकते हो, बड़े छोटे साइज़ जैसे भी आपको चाहिए होंगे वैसे ले सकते हो। इवन दो आप चाहो तो इसको रोटेट भी कर सकते हो कि किस डायरेक्शन में चाहिए, कहाँ पे प्लेस करने हैं, तो आप बहुत ही बेटर तरीके से इस चीज़ को हैंडल कर सकते हो, राइट। अब ये हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आप चाहो तो यहाँ पे ग्रिड रैप यूज़ कर सकते हो। देखो ग्रिड रैप आप चाहो तो ले सकते हो, चाहो तो आप नहीं ले सकते हो, तो ये थोड़ा सा आपको रैप करने में ज़्यादा बेटर तरीके से कर देती है, इसके लिए हम लोग ले लेते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई करना है शेप को तो हम लोग ग्रिड रैप लेते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं भी लोगे तो चलेगा, फाइन। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे अच्छे से सेट कर लिया जो मुझे यहाँ पे चाहिए थे स्कार मार्क को, राइट। तो ये हमारा यहाँ पे स्कार मार्क, नॉट स्कार मार्क एक्चुअली, ये हमारा जो कट मार्क है वो हम लोगों ने ले रखा है यहाँ पे, ओके। एंड देन यहाँ पे आपको कुछ करने नहीं है और कोई चेंजेस नहीं चाहिए होंगे, बस क्लिक करो एंड देन यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, बस सिंपल सा आपको यहाँ पे सेव कर लेना है, कंट्रोल एस करके भी आप सेव कर सकते हो। तो मैंने इसको क्लिक किया एंड देन सेव कर लिया हमारा जो मार्क है, एंड देन आप क्लोज़ कर दो, राइट। यहाँ पे क्लोज़ हो जाने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा फुटेज है। एंड देन मैं यहाँ पे जो आज यूज़ करने वाला हूँ, बस एक ही चीज़ यूज़ करूँगा आज के जो टॉपिक है वो है मॉड्यूल, जो हमारा यहाँ पे है मॉड्यूल रेंडर को मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे फर्स्ट आप क्या करना, रेंडर में जाना एंड देन इनेबल कर देना, फर्स्ट रेंडर को इनेबल कर देना है आपको मॉड्यूल रेंडर में, राइट। एंड देन सेकेंड थिंग कि आपको यहाँ पर जाने हैं और यहाँ पे आपको एक और भी ऑप्शन लेने हैं कि जैसे यहाँ पे आपको मॉड्यूल जो है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इंसर्ट कॉम्पोजिट में लेना है, बिकॉज ऑफ कि मैंने इंसर्ट किया हुआ था, इसके लिए आपको इंसर्ट कॉम्पोजिट ले लेने हैं। तो जैसे ही आप ऐड करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं जो हम लोगों ने वहाँ पे ले रखा था शेप या फिर जो इमेज मैंने ले रखे थे। अब ये हो जाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको और कोई चेंजेस नहीं चाहिए होंगे, सोर्स में जाकर आप इफेक्ट एंड मास्क ले सकते हो, बट नहीं भी लोगे तो भी रन करते हैं ये। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको ना स्किन के अकॉर्डिंग इसको ब्लेंड कर लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड देन आपको जैसे भी चाहिए होंगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ब्लेंड कर लो। देखो ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये जो कट है थोड़े से ओल्ड है, अदरवाइज़ वो बहुत फ्रेश लग रहे हैं, जो फ्लैश हैं वो थोड़े से फ्रेश लग रहे हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ करना है कि आपको कैसा कट चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं रख लेता हूँ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ज़्यादा बेटर लुक मुझे दे रहा है यहाँ पे, तो मैं मल्टीप्लाई रख लेता हूँ कुछ ऐसे। एंड देन कुछ करना नहीं है, प्ले करके मैं दिखाता हूँ कि एक्चुअली हमारा जो आउटपुट है वो कैसा है, राइट। तो सिंपली मैं यहाँ पे स्पेस ले लेता हूँ एंड देन आप देख सकते हो कि आपके जो कट मार्क है वो आपके फेस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं यहाँ पे। एंड देन वैसे ही वो जो हमारा फेस वॉर्प हो गए हैं तो उसके अकॉर्डिंगली वो वहाँ पे भी वॉर्प होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो कुछ इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो, जो भी आपको ऐड करने हैं वो ऐड करो, कुछ इस तरह के मार्क ऐड कर सकते हो या फिर कुछ और भी ऐड कर सकते हो, मीन्स बहुत कुछ किया जा सकता है इसमें। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। तो मोका प्रो में वर्क करने के बाद आप इसमें बहुत कुछ बना सकते हो एंड देन अपने प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स एंड देन पोर्टफोलियो को और भी स्ट्रांग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।